हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वही कल वाला चैप्टर रिपीट करेंगे। कल हमने प्रपोजिशंस पढ़ा था, आज भी हम प्रपोजिशंस पढ़ेंगे। कल हमने प्रपोजिशन ऑफ टाइम पढ़ा था, आज हम प्रपोजिशन ऑफ प्लेस पढ़ेंगे, क्योंकि प्लेस के अकॉर्डिंग भी बहुत सारी प्रपोजिशंस होती हैं, तो हम उनको देखेंगे। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं एट। एट कहाँ यूज़ होता है? इट इज़ यूज टू शो द एग्जैक्ट पॉइंट। कोई भी जगह का एग्जैक्ट पॉइंट अगर हमको शो करना हो, लाइक हाउस या स्मॉल विलेज या टाउन, तो उसके लिए हम लगाएंगे एट। जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, शी वर्क्स डैश द हॉस्पिटल। तो वो कहाँ काम करती है? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल इज अ स्मॉल प्लेस, सो वी विल यूज एट। सेकंड क्वेश्चन है, महात्मा गांधी वॉज बॉर्न डैश पोरबंदर इन गुजरात। तो गुजरात बड़ी प्लेस है, उसके साथ हमने इन लगाया है, और लेकिन पोरबंदर जो है गुजरात के अंदर है, तो नेचुरल सी बात है गुजरात से छोटा है, तो वो उसके साथ हमने एट लगाया है। तो इस तरह से छोटी जगहों को शो करने के लिए वी यूज़ एट। नेक्स्ट वी कम टू इन। इन कहाँ यूज़ होता है? जैसे कि मैंने अभी बताया कि गुजरात के साथ इन यूज़ हुआ है, तो गुजरात इज बिगर देन पोरबंदर, तो जो ये इन है, इट इज़ यूज टू रेफर लार्ज सिटीज़ कंट्रीज, एंड व्हेन द रेफरेंस इज नॉट टू एनी स्पेसिफिक प्लेस। कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं है, पूरा वर्ल्ड, पूरा कंट्री ऐसे करके यूज़ होता है, तो हम इन लगाते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, द इंडियंस लिव डैश इंडिया। इंडिया बिग प्लेस है, तो इसलिए इसके साथ हम लगाएंगे इन। ऐसे ही ताजमहल इज़ डैश आगरा, ताजमहल इन आगरा। आगरा इज़ बिग प्लेस, ठीक है, ताजमहल इज़ स्मॉल प्लेस, इसी तरह से। नेक्स्ट वी कम टू ऑन। ऑन का मतलब होता है ऊपर या पर, ठीक है। ऑन हम लगाते थे टाइम के लिए, हमने देखा था किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए लगाते थे जब हमको फिक्स टाइम दिया होता था। यहाँ पर हमें पर्टिकुलर एरिया, जहाँ पर कोई भी चीज़ रह रही है, पर्टिकुलर एरिया वेयर समथिंग इज, तो वहाँ पर हम लगाएंगे ऑन। नेक्स्ट वी कम टू, अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे द टेम्पल स्टैंड्स डैश द बैंक ऑफ रिवर। जो टेम्पल है इट स्टैंड, बैंक यहाँ मतलब यहाँ बैंक नहीं है वो जिसमें पैसे जमा करते हैं, बैंक का मतलब किनारे, किनारे ऑफ जो रिवर, रिवर के किनारे पर खड़ा है, तो एक पर्टिकुलर प्लेस है बैंक ना, तो ऑन लग गया। इसी तरह से शी ही स्पेंड अ फ्यू डेज डैश आइलैंड। आइलैंड भी पर्टिकुलर एक जगह है, तो उस तो यहाँ पर भी हम लगा देंगे ऑन एन आइलैंड, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। अभी प्रपोजिशन ऑफ प्लेस हमने पढ़ी सारी, उसके बाद हम आ जाते हैं प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। जिस प्रपोजिशन से, जिस वर्ड से हमको डायरेक्शन का पता चले कि कोई भी काम कहाँ हो रहा है या कोई भी चीज़ कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, तो अपन इसको बोलते हैं प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। जैसे कि फ्रॉम, फ्रॉम क्या कहता है? फ्रॉम जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट हमको पता चलता है कि दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी वर्क या एनी डेस्टिनेशन, तो हम फ्रॉम लगाएंगे। जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, दे केम फ्रॉम चाइना, तो यानी कि वो चाइना से आए हैं, तो यहाँ पर हम लगाएंगे फ्रॉम। दिस इज़ द ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन कह लो या स्टार्टिंग पॉइंट कह लो, तो वो चाइना उनका ओरिजिन प्लेस है, वहाँ से वहाँ, तो फ्रॉम लगाया। शी कम्स डैश स्कूल एट 2 PM, वो 2 PM पर स्कूल से वापस आती है, तो यहाँ पर भी हम वापस फ्रॉम द स्कूल, वहाँ से ओरिजिनेट होती है या कह सकते हैं वहाँ से स्टार्ट होती है आना, और 2 बजे तक आती है, तो यहाँ पर हम फ्रॉम लगा देंगे। किसी चीज़ से अलग होते हैं तो हम फ्रॉम लगाते हैं, किसी प्लेस से अलग होकर हम चलते हैं तो फ्रॉम लगाते हैं, इसलिए स्कूल से आ रहे हैं तो फ्रॉम लगाए। नेक्स्ट वी है टू। टू और फ्रॉम मोस्टली इकट्ठे आते हैं कई बार, फ्रॉम मतलब से और टू मतलब को, यहाँ से वहाँ को, ऐसे है शोइंग द एंड पॉइंट। ये था शोइंग द स्टार्टिंग पॉइंट, और ये है शोइंग द एंड पॉइंट ऑफ एनी डेस्टिनेशन। जैसे कि अभी ये लिखते हैं, रोहित वेंट डैश लंडन डैश 2017। अब रोहित वेंट स्टार्टिंग पॉइंट था, तो यहाँ पर आ जाएगा रोहित वेंट टू लंदन, ठीक है। और हम ये टाइम आ गया, फिक्स टाइम है, आपको पता है पहले से, बड़ा टाइम है, ईयर है, तो मैंने आपको लास्ट कल उसमें बताया था, तो यहाँ पर लग जाएगा इन 2017। इसके बाद हम देखते हैं शी केम टू इंडिया एज टूरिस्ट, तो हमने यहाँ पर टू इसलिए लगाया क्योंकि वो कहीं को आया है, एंड पॉइंट उसका डेस्टिनेशन पॉइंट जो है वो इंडिया है, तो उसके साथ टू लगा दिया। अगेन अब मैं आपको ऐसे एग्जांपल देती हूँ जिसमें फ्रॉम और टू दोनों ही होंगे। जैसे ट्रेन स्टार्टेड, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया, ट्रेन स्टार्टेड डैश कोलकाता, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट कोलकाता हो, हम यहाँ पर लगाएंगे फ्रॉम कोलकाता।
ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम कोलकाता एंड कम्स डैश डेली, और कहाँ आ गई, कलकत्ता से स्टार्ट हुई और दिल्ली आ गई, तो कहाँ क्या लगाएंगे, डेस्टिनेशन है टू, लगा देंगे डेस्टिनेशन दिल्ली है। तो इस तरह से हमने टू, इसमें टू और फ्रॉम दोनों ही आ गए। तो इस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि फ्रॉम इज़ यूज्ड फॉर द स्टार्टिंग पॉइंट एंड टू इज़ यूज्ड फॉर द एंड पॉइंट। और हम और भी देख लेते हैं, डायरेक्शन टूवर्ड्स है, जैसे जब हम किसी चीज़ की तरफ जा रहे होते तो व्हेन वी आर गोइंग टू समथिंग, तो दिस इज़ कॉल्ड, मतलब हम टूवर्ड्स लगाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ट्रेन वॉज कमिंग डैश स्टेशन, तो ट्रेन आ रही है स्टेशन की तरफ, टूवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ, जब हम किसी की तरफ जा रहे हैं आ रहे हैं तो हम यहाँ पर टूवर्ड्स लगाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा टूवर्ड्स स्टेशन, स्टेशन की तरफ आ रही है। द डॉग रैन डैश द कैट, जो डॉग है वो कैट की तरफ भागा, तो यहाँ पर भी की तरफ आ गया ना, तो यहाँ पर लगा दिया टूवर्ड्स। ठीक है, ऐसे हम कुछ और भी देख लेते हैं। अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब होता है कि मीन्स टू हैव कॉन्टैक्ट और प्रेशर, किसी की उस चीज़ के ऊपर दबाव बनाना या कॉन्टैक्ट करना, जैसे ही पुट लैडर, लैडर मतलब सीढ़ी होता है, उसने सीढ़ी रखी डैश द वॉल, वॉल के अगेंस्ट मतलब उसके साथ प्रेशर डालते हुए, तो यहाँ पर आ गया अगेंस्ट द वॉल। राजीव हिट हिज हेड, राजीव ने अपना हेड हिट किया कहाँ, ट्री के अगेंस्ट, यानी कि ट्री से टकराया, अगेंस्ट। जब हम प्रेशर पुट करते हैं किसी चीज़ पर तो वी यूज़ अगेंस्ट। ठीक है, और कुछ और प्रपोजिशंस हैं जिनको हम देख लेते हैं कि क्या क्या होती हैं। जैसे अंडर होता है, अंडर मीन्स नीचे, हम किसी चीज़ के नीचे कोई चीज़ होती है तो अंडर लिखते हैं। तो उसके बाद बिलो, बीनीथ है, इसका मतलब ही नीचे होता है, लेकिन किसी और चीज़ से लोअर पोजिशन पर जब होता है कोई चीज़ तो हम बिलो या बीनीथ लगाते हैं। ओवर, ओवर मतलब वर्टिकली ऊपर, किसी चीज़ के बिल्कुल सीधा ऊपर, मान लो कोई बेड पे सो रहा है और बेड के ऊपर बिल्कुल पंखा लगा होता है तो ऐसे बोल देते हैं फैन इज़ ओवर द बेड, या इस तरह से। ओवर और अबव का मतलब भी ऊपर ही होता है, ओवर का मतलब भी ऊपर होता है। अबव का मतलब किसी के ऊपर होना सीधा, बट अबव का मतलब किसी चीज़ से किसी चीज़ के ऊपर होना, मतलब थोड़ा सा ऊँचा होना दूसरी वाली चीज़ से। ऐसी और भी प्रपोजिशंस है, जैसे बिटवीन, जब किसी दो के बीच की बात चल रही है तो हम लिख देते हैं बिटवीन, जैसे हम कह देते हैं डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन राम एंड श्याम, दो बंदे हो ना तो इसलिए उनके बीच में बिटवीन लगाएंगे। और जब बहुत सारे होते हैं, मोर देन टू पर्सन होते हैं, मोर देन टू थिंग्स होती हैं, तो हम लगाते हैं अमंग। जैसे हम एग्जांपल देती हूँ, अभी मैंने बोला डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट बिटवीन राम एंड श्याम, दो थे तो इसलिए बिटवीन लगा, बहुत सारे हैं तो कैसे लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट्स अमंग ऑल स्टूडेंट्स, सारे बच्चों के बीच में, सारे स्टूडेंट्स के बीच में, तो बहुत सारे हो गए तो अमंग लगाएंगे। ऐसे ही बिसाइड का मतलब पास होता है, किसी चीज़ के पास होना तो बिसाइड लिख देते हैं। एक और होता है बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब उसके अलावा, जो उनके पास चीज़ है उसके अलावा और कुछ। तो जैसे एग्जांपल यहाँ पर है, आई हैव थ्री अदर पेंस बिसाइड्स दिस, यानी कि मेरे इसके अलावा, दिस के अलावा मेरे पास थ्री अदर पेंस और हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर बिसाइड्स यूज़ किया। इस तरह से बहुत सारी प्रपोजिशंस हैं, तो हमने बहुत कुछ यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है, और मैं अब इससे रिलेटेड आपको असाइनमेंट भी दूंगी, तो यू हैव टू डू केयरफुली एंड सबमिट इट, आंसर्स विल बी डिस्कस्ड लेटर। ओके।